श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दर्शकों, हर माता की इच्छा होती है कि उसकी संतान स्वस्थ हो और सुंदर हो। संतान प्राप्ति के लिए हर माता कई व्रत रखती है और कई उपाय करती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक महीने बाद या दो महीने बाद जब सोनोग्राफी कराई जाती है तो उस समय पुत्र के कोई ना कोई विकार उसमें आ जाता है या फिर कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाती है। कई बार डॉक्टर बता देते हैं कि इसके दिल में छेद है, इसके ये अपंगता है या फिर कोई विकार है। अगर कोई ऐसी समस्या आ जाती है, ऐसी कोई दुविधा आ जाती है तो पूज्य गुरुदेव ने एक उपाय बताया है। इस उपाय को करके इस समस्या से आप निजात पा सकते हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है, अगर कोई ऐसा विकार आपकी संतान में आ जाता है, ऐसी कोई समस्या आ जाती है तो आपको क्या करना है कि आपको एक सफ़ेद वस्त्र लेना है, जैसा कि हम कई बार पूजा के समय गणेश जी के पाटे पर बिछाते हैं, इस तरीके का आपको एक वस्त्र ले लेना है। और साथ ही आपको लेना है 1008 चावल के दाने। ये जो चावल के दाने आप लेंगे तो ये खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से टूटे हुए नहीं होना चाहिए, पूरे अक्षत आपको लेना है 1008 गिन करके। और आपको क्या करना है, जो आपने सफ़ेद कपड़ा लिया है इसमें आपको रख लेना है। इसके पश्चात आपको एक बेलपत्र भी इस कपड़े में रख लेना है, इन चावल के दानों के ही ऊपर, और इसकी पोटली बना लेना है। अब आपको उपाय क्या करना है कि जहाँ पर भी आपके आसपास शिव जी का मंदिर है तो वहाँ पर आपको जाना है। चाहे तो ये उपाय आप सुबह के समय कर सकते हैं और चाहे तो ये उपाय आप शाम के समय कर सकते हैं, या फिर जो मासिक शिवरात्रि आती है उस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। जब आप ये चावल के दाने और बेलपत्र इस पोटली में रख लेंगे तो इस पोटली को ले जाकर आपको क्या करना है, शिव जी के मंदिर में रख देना है। और इसके बाद में जो शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, इसका आपको जाप कर लेना है और अपनी मनोकामना बोल लेनी है। जो भी आपकी पुत्र की समस्या है वो मनोकामना आपको मन में ही बोल लेनी है। और इसके बाद में आपको क्या करना है, अपनी मनोकामना बोल करके वापस घर को आ जाना है। 3 दिन बाद आपको क्या करना है कि जो समस्या पहले डॉक्टर ने बताई थी आपके गर्भ में बच्चे के लिए, तो उसकी आपको दोबारा से जाँच करा लेना है। आप देखेंगे भोले बाबा की जो कृपा है आप पर जरूर होगी और आपकी जो संतान है पूर्ण तरीके से ठीक हो जाएगी। और अगर इसके बाद भी आपकी जो समस्या है वो खत्म नहीं होती है तो एक बार फिर से आपको इस उपाय को दोहराना है, करना है। इसके बाद जब आप जांच कराएंगे तो निश्चित ही आपको एक स्वस्थ और सुंदर संतान की प्राप्ति होगी, जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने बताया है। तो दर्शकों, आपको उपाय कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।